उपस्थित मेरे सभी मित्रगण और भाई बहनों, आप सभी को प्रणाम। मैं प्रदीप कुमार राव रेली से हूँ। तो सुनिएगा, लॉकडाउन कोरोना क्या क्या है, लॉकडाउन कोरोना क्या क्या है, अब मैं आ गया हूँ, अब बताओ सौगात क्या क्या है। लॉकडाउन कोरोना क्या क्या है, अब मैं आ गया हूँ, बताओ सौगात क्या क्या है। ये मेरा पहला मंच है, ये मेरा पहला मंच है, आपका प्यार चाहिए। ये मेरा पहला मंच है, आपका प्यार चाहिए, करताल धुन से आपका उत्साह गुलजार चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। वैसे मैं सुनाने कुछ और आया था, यहाँ माहौल देखा, सुनाने कुछ और कर रहे हैं। वैसे मैं बेटियों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, और सुनिएगा, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। बेटियों को बोझ ना समझा जाए, बेटियों को बोझ ना समझा जाए, कमजोर हैं, लाचार हैं, इस नजरिए से ना देखा जाए। बेटियां को बोझ ना समझा जाए, कमजोर हैं, लाचार हैं, इस नजरिए से ना देखा जाए, पराया धन है ये नाम ना दिया जाए। बेटियों क्या कहा जाता है, इस घर में है तो पराया धन, पराए घर जाना है, वहां पहुंच गए पराए घर से आए हो, ना तो बेचारी इधर में ना तो उधर में, यहाँ तुम्हें पराए घर जाना है, वहाँ तुम्हें पराए घर से आई हो, न तो इधर न उधर, बेचारे फंसे बेचारे में। पराया धन है ये नाम ना दिया जाए, बेटियाँ क्या होती हैं, बेटियाँ क्या होती हैं, उस कोख से पूछो जिन कोख ने बेटियों का सुख नहीं पाए। तुमने कितना प्यार दिया है बेटियों को, ये मैं उन माता पिता से पूछता हूँ, ऐसा समाज में अक्सर होता है। तुमने कितना प्यार दिया है बेटियों को, आज उसका नाप तौल हो जाए। तुमने कितना प्यार दिया है बेटियों को, आज उसका नाप तौल हो जाए, और बेटों को दो दो जोड़ी कपड़े लत्ते, बेटों को दो दो जोड़ी कपड़े लत्ते, बेटी को एक जोड़ी भी नसीब नहीं, बेटी को एक जोड़ी भी नसीब नहीं, और बेटा पढ़े शहर के बड़े स्कूल में, बेटा पढ़े शहर के बड़े स्कूल में, बेटी के लिए फीस नहीं, बेटी के लिए फीस नहीं, ये भेदभाव क्यों जब दोनों संतानें तेरी हैं, ये भेदभाव क्यों जब दोनों संतानें तेरी हैं, और बेटा घूमे बड़े शहर में, बेटा घूमे बड़े शहर में तो कोई बात नहीं, बेटा घूमे बड़े शहर में तो कोई बात नहीं, और बेटी घूमे तो घर की इज्जत बदनाम होगी, बेटी घूमे तो घर की इज्जत बदनाम होगी, और बेटा जुबान लड़ाए तो कोई बात नहीं। सुनिएगा, अक्सर होता है ऐसा कि बेटा जुबान लड़ाए तो कोई बात नहीं, और बेटी अपने अधिकार के लड़े तो जुबानी हो गई, अपने अधिकार के लिए लड़े तो जुबानी हो गई। जल्दी ब्याह दो अब सयानी हो गई, जल्दी ब्याह दो अब सयानी हो गई, ये कैसी तुम्हारी सोच है, ये कैसी तुम्हारी सोच है कि बेटी कि बेटा उच्च और बेटी तुच्छ है, और जिन्हें शक है कि बेटियाँ कमजोर होती हैं, जिन्हें शक है कि बेटियां कमजोर होती हैं, वो एमसी मैरी कॉम साक्षी मलिक जैसी बला से मिल सकते हैं, जिनको ये डाउट है ये कि बेटियां कमजोर होती हैं, वो एमसी मैरी कॉम साक्षी मलिक जैसी बला से मिल सकते हैं, और तू उन्हें छेड़ कर तो दिखा, तू उन्हें छेड़ कर तो दिखा, मां कसम तेरी हड्डी के पल्ला पल्ला कर सकती हैं। अब भी तुझे जरा से भी शक हो, अब भी तुझे जरा से भी शक हो, तो झांसी की रानी माँ दुर्गा को बुलाऊं क्या, झांसी की रानी माँ दुर्गा को बुलाऊं क्या, महिषासुर की तरह तेरा भी वध करवाऊं क्या, महिषासुर की तरह तेरा भी वध करवाऊं क्या। और कहत प्रदीप सुनो भाई सबजन, कहत प्रदीप सुनो भाई सबजन, बेटी से ही माँ है, बेटी से ही माँ है, बेटी से ही बहन है, और बेटी से ही पत्नी है, और बेटी से ही वंश है, बेटी से ही वंश है, और बेटी का सम्मान करो, बेटी का सम्मान करो, तुम जिससे पैदा हो वो भी एक बेटी रही थी, जिससे जिसने तुमको पैदा किया वो भी एक बेटी रही थी। और हम आपको कुछ सुनाना चाहेंगे, और अपनी मोहब्बत पे, वैसे सबने अपने अपने दर्द लिखे हैं, लेकिन मैं भी एक लिखना चाह लिखा है हमने, तो सुनिएगा, अच्छा लगेगा।
और यहाँ इसके मंजर में बीमार बहुत हैं, यहाँ इसके मंजर में बीमार बहुत हैं, दर दर पर धोखेबाज बहुत हैं। सुनिएगा, यहाँ इसके मंजर में बीमार बहुत हैं, दर दर पर धोखेबाज बहुत हैं, और हाँ वो हमसे कहती है, और हाँ वो हमसे कहती है मोहब्बत तुमसे बहुत है वो, और हाँ वो हमसे कहती है कि मोहब्बत तुमसे बहुत है। हमें तो पता है वो ड्रामेबाज बहुत है, हमें तो पता है कि वो ड्रामेबाज बहुत है, वो हमें प्यार का मतलब समझाती बहुत हैं, वो हमें प्यार का मतलब समझाती बहुत हैं, और इसका व्यापार चलाती बहुत हैं। रोने लगती हैं छोटी सी बातों पर, रोने लगती हैं छोटी सी बातों पर, लगता है आँखों में पानी बहुत है, लगता है आँखों में पानी बहुत है, आजकल वो खामोश बहुत हैं। आपकी तालियाँ चाहिए, हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा। और आजकल वो खामोश बहुत हैं, लगता है उसका वाला एहसान परामोश बहुत है, लगता है उसका वाला एहसान परामोश बहुत है। और आगे सुनिएगा कि तूने दिल तोड़ा है तो मैं शायरी लिखूँगा, तूने दिल तोड़ा है तो मैं शायरी लिखूँगा, दर्द का एक एक कतरा लिखूँगा, तूने दिल तोड़ा है तो मैं शायरी लिखूँगा, दर्द का एक एक कतरा लिखूँगा, और जब तक तुझे एहसास ना हो जाए मेरी मोहब्बत का, जब तक तुझे एहसास ना हो जाए मेरी मोहब्बत का, ये शायरी मैं तब तक लिखूँगा। सुनिएगा भाई, सुनिएगा, मोहब्बत में टूट के सुधर कर दिखाओ तो जाने, मोहब्बत में टूट कर सुधर कर दिखाओ तो जाने, जिस तरह उसने मुझे छोड़ा है उस तरह संभल कर दिखाओ तो जाने, और उसके साथ बिताए हैं कई रातों के लम्हे, उसके साथ बिताए हैं कई रातों के लम्हे, उन लम्हों को भुला सको तो जाने, उन लम्हों को भुला सकें तो जाने, उसने मुझे छोड़ा है विदाउट रीज़न, उस रीजन उसने मुझे छोड़ा है बिना रीजन के, बिना रीजन के साथ निभा सको तो जाने, बिना रीजन के निभा सको तो जाने। भाई अंत में मैं चार पंक्तियाँ और कहना चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपका समय ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी सुनिएगा, जो हमारी सबसे अच्छी कविता रही है, तुम सांस हो तुम श्वास हो, तुम सांस हो तुम श्वास हो, तुम मेरी जिंदगी के एहसास हो, तेरे बिना ना जी सको तुम ऐसी आस हो, तुम सांस हो तुम श्वास हो, तुम मेरी जिंदगी की आस हो, तेरे बिना ना जी सकूँ एक पल ऐसे तुम एहसास हो, तुम मेरी दीप हो तुम मेरी राग हो, तुम मेरी दीप हो तुम मेरी राग हो, अंधेरा तो जलती हुई चिराग हो, तुम मेरी दीप हो तुम मेरी राग हो, अंधेरा तो तुम जलती हुई चिराग हो, तुम सुबह की प्रीत हो, तुम सुबह की प्रीत हो, शाम की रीत हो, तुमसे मिलाकर जो बना मैं वो प्रदीप हूँ, तुमसे मिलाकर जो बना मैं वो प्रदीप हूँ। और आगे जो समय आपका ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम ज़्यादा समय आगे नहीं लेंगे, और इसमें अपनी वाणी को विराम करते हैं। आप लोग बहुत शुक्रिया, बहुत